अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख वैकेंसीज आपकी यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, राज्यसभा के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था, विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लेस टू स्टेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ये बता सकते हैं कि जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 10 लाख वैकेंसीज वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगले आने वाले 1.5 साल के अंदर फुलफिल करने की, तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस इस समय चल रहा है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस समय अवेलेबल है, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसी के आंसर जो आया है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आंसर आया है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से आया है, जो कि यहाँ पे अब इस आंसर के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के डी के बीच में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि यहाँ पे क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट को फुलफिल कराने की प्रोसेस है वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की है, तो और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है गाइस। जैसे कि यहाँ पे रिटायरमेंट होता है कुछ एम्प्लॉयज का, कुछ एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इसको फुलफिल करना, उसके बाद कुछ का प्रमोशन होता है, कुछ को निकाल दिया जाता है, तो ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सिंपली यहाँ पे लिया कहा हुआ है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन आस्क्ड टू टेक एक्शन इन अ मिशन मोड फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोजीशंस इन टाइम बाउंड मैनर, तो जितना टाइम इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पे इसको वर्क कर रहे हैं, इन्होंने कह दिया है। अब यहाँ पे आप पॉइंट नंबर ई को देखिए, जिसमें ये लिखा हुआ है एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ पे रिसर्च यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस समय वेकेंट है वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो भी 1 मार्च 2021 तक। तो गाइस, आप देख सकते हैं 1 मार्च 2021 की बात की जा रही है यहाँ पे, 1 मार्च 2021 तक की यहाँ पे जो वेकेंट पोजीशन हैं उनका नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 10 लाख के करीब है। यहाँ पे 9,79,327 वेकेंसीज 1 मार्च 2021 तक की यहाँ पे रिपोर्टेडली वेकेंट है, तो इन वेकेंसीज के ऊपर अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो अगले 1.5 साल में कंप्लीट कराने की बात की गई है। तो आप समझ लीजिए कि गाइस यहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम में नंबर ऑफ वेकेंसी ज्यादा देखने को मिलने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से करनी होगी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जो स्टेट वाइज वैकेंसीज वगैरह हैं उसका डाटा यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो स्टेट वाइज और मिनिस्ट्री वाइज ही आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर 1 मार्च 2021 तक की यहाँ पे बात करें तो 10 लाख वैकेंसीज है, और इसके बाद ये नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं 1 साल और यहाँ पे हो चुका है। ये तो यहाँ पे बात 1 मार्च 2021 की हो रही है, तो ये ऑफिशियली भी अब यहाँ पे बता दिया गया है कि 1-10 लाख के करीब आपकी वैकेंसी अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पे वेकेंट है, जिसमें से एसएससी ने भी ऑलमोस्ट 70,000 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी है कि वो December 2022 तक यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो आप लोग अब यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से अपनी करके चलनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं आगे आगे आने वाले समय में आपका अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, जो कि आपका December 2022 के अंदर है। सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, सीपीओ का भी आपका एग्जाम है, तो अब आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए करनी होगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए ज्यादा आने वाली है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा, पहले से ही आपको प्रिपेयर करके चलना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईटीजी, नीट, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।